आने वाले लगभग 40 सालों में दुनिया कैसी होगी, किस तरह इंसान विकास कर चुका होगा, कैसे हम सड़कों पर चलने की बजाय हवा में उड़ान भरेंगे, किसी से बात करने के लिए मोबाइल फोन पर नंबर डायल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब तो कुछ भी नहीं है। 2060 तक जमाना इस कदर एडवांस हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कैसा होगा 2060? चलिए जानते हैं दोस्तों, आने वाले 40 सालों में दुनिया आज से पूरी तरह अलग होगी। डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी होगी। जहां हम इंसानों की आबादी 8 अरब है, तो वही साल 2060 तक यही आबादी बढ़कर 10 अरब तक पहुंच जाएगी, और फिर भारत की आबादी का मुकाबला कर पाना किसी भी देश के बस की बात ही नहीं होगी। जहां चीन सालों से सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा है, वहीं कुछ ही सालों में भारत 1 अरब 50 करोड़ की आबादी वाला देश बन जाएगा, और आने वाले 100 सालों तक कोई भी देश हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। पर दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तभी तो जितनी ही तेजी से आबादी बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी, और वो इस हद तक दुनिया पर सवार हो जाएगी कि लगभग 40% नौकरियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और इंसानों की जगह रोबोट्स काम करने लग जाएंगे। फैक्ट्री में मजदूर कम और मशीनें ज्यादा दिखती हैं। ठीक इसी तरह से मेडिकल सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही नजर आएंगे, जो न केवल इंसानों से तेज हैं, बल्कि हमसे बेहतर काम करके हमारी नौकरियों को खा जाएंगे। आने वाले समय में गाड़ियों ऑटोमेटिक हो जाएंगी, घर पर काम करने के लिए रोबोट्स बना लिए जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए एडवांस सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो कोई भी सस्पेक्ट चीज देखते ही न केवल लोगों को अलर्ट करेगा, बल्कि कमांड मिलने पर अटैक करना भी शुरू कर दे। मतलब घर बैठे बैठे आप अपने कंपाउंड की पूरी सिक्योरिटी अपने हाथ में रख सकते हैं। और इन रोबोट्स की सबसे खास बात तो ये होगी कि एक बार इन पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्हें बार बार सैलरी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ये कभी छुट्टी पर जाएंगे। यानी कि साल 2060 तक जिन अमीर लोगों के घरों में नौकरों की लाइन लगी रहती है, उनके घरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से चलने वाले रोबोट्स की लाइन लगी रहेंगी। कुछ ही सालों में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि इंसान के शरीर में चिप डालकर उसकी बीमारी को ना केवल डिटेक्ट किया जा सकेगा, बल्कि उसे ठीक भी किया जा सकेगा। और वैसे भी चारों तरफ ऑटोमेटिक सेंसर वाली गाड़ियों चलेंगी, जो किसी भी चीज से टकराने से पहले ही रुक जाएंगी। इस तरह से एक्सीडेंट्स के केस भी लगभग खत्म हो जाएंगे। 2060 तक हम हवाई जहाज में उड़ते हुए बाहर का नजारा बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे। तब तक एरोप्लेन ट्रांसपेरेंट शीशों से बने होंगे। और ये तो बात हो गई लंबी यात्रा की, लेकिन अगर किसी को छोटी दूरी तय करनी है तो वो भी उड़ते हुए कर सकते हैं। उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि एयर टैक्सी चारों तरफ हवा में यात्रा करती हुई नजर आएंगी, और जिस तरह सड़कों पर टैक्सी और ऑटो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं, ठीक उसी तरह से हवा में चलने वाली एयर टैक्सी डेवलप करी जा चुकी होंगी। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी केवल हम इंसानों को नहीं, बल्कि फूड डिलीवरी की दुनिया में ही एक अलग ही क्रांति लेकर आएगी। आज के समय में फूड ऑर्डर करने के बाद कम से कम आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। वहीं आने वाले लगभग 40 सालों में जैसे ही आप अपने फूड को ऑर्डर करेंगे, उसके 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपका ऑर्डर उड़ते हुए आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ना केवल आज के समय में बनकर तैयार हो चुकी है, बल्कि टेस्टिंग करी जा रही है। इसकी जहां कुछ ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो लगभग 5 किलो तक का वजन उठाकर बड़े ही आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं और सुरक्षा पूर्वक उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज जो आप इंटरनेट पर दिन भर वक्त बिताते हैं ना, वो टाइम और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड ही इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि आपका इंटरनेट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। एंटरटेनमेंट के और भी नए नए तरीके निकल कर आएंगे, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। हाँ, वैसे आप साल 2060 की दुनिया को लेकर कितने उत्साहित हैं? हमें कमेंट करके बताइए।